हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम टॉप 65 एनोनीम्स को एमसीक्यूज फॉर्म में कवर करने वाले हैं। यानी ये आपका मॉक टेस्ट होगा, आपको किसी चीज़ की मीनिंग नहीं दिखाई देंगे। आपको जो 65 एनोनीम्स दिखेगा वो आपके लिए एक प्रैक्टिस होगा कि आपको कितने सारे मीनिंग्स यानी आपको कितने सारे एनोनीम्स याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसे हम अफरोज़ अख्तर सर की बुक से कवर कर रहे हैं। और खुद से आप क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। चार ऑप्शन आपके पास दिखेगा, वर्ड मैं बताऊंगी आपको, चार ऑप्शन में से आप बताइए कि उसका अपोजिट मीनिंग यानी एनोनिम्स कौन सा होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्रेल। फ्रेल का एनोनिम्स बताइए आप लोग कि फ्रेल का एनोनिम क्या होगा। फ्रेल मतलब होता है दुर्बल, कह सकते हैं आप, अनैतिक कह सकते हैं। यहाँ पर आप दुर्बल का यूज़ कर सकते हैं। तो दुर्बल से आपको आइडिया हो गया होगा कि कुछ मजबूत सा वर्ड होगा, यानी कुछ मजबूत सा इसका एनोनीम होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रॉबस्ट। नेक्स्ट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का एनोनीम्स क्या होगा? एंड्योरेंस का एनोनीम्स आप लोग बताइए कि क्या होगा। बहुत ही ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको ऑप्शन देख करके ही पता चल गया होगा। इंडोलेंस इज द राइट आंसर। एंड्योरेंस मतलब होता है सहनशीलता, इंडोलेंस इसका एनोनीम होगा। नेक्स्ट वर्ड इंटेंशनल। इंटेंशनल का एनोनीम क्या होगा? इंटेंशनल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, या आप बोल सकते हैं इच्छानुरूप। तो इसका सही जवाब होगा कि एक्सीडेंटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लैमेंट। लैमेंट का एनोनिम्स क्या होगा? लैमेंट मतलब होता है शोक, विलाप। तो अब आप समझ गए होंगे कुछ सेलिब्रेट सा होगा, कुछ इंजॉयमेंट टाइप की चीज़ होगी, कुछ खुशी वाला चीज़ होगा। ऑप्शन डी सेलिब्रेट। नेक्स्ट एप्लॉट। एप्लॉट का एनोनिम्स बताइए। एप्लॉट मतलब होता है किसी की सराहना करना, प्रशंसा करना। तो इसका एनोनिम क्या बनेगा? अप्रूव, ऑप्शन डी अप्रूव। नेक्स्ट कंज्यूम। कंज्यूम का एनोनिम्स बताइए आप लोग। कंज्यूम मतलब होता है किस चीज़ को नष्ट करना, उपभोग करना, नष्ट करना। तो यहाँ पे नष्ट का कुछ अपोजिट सेव सा होगा, कुछ चीज़ को सेव करना। तो ऑप्शन ए कंज्यूम का एनोनिम्स होगा सेव। नेक्स्ट टेंस, बहुत इजी है, चिंता करना। तो चिंता का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट वैन। वैन का एनोनीम्स बताइए। वैन का एनोनीम्स, वैन मतलब होता है किस चीज़ का पतन करना, पतना। तो यानी बढ़ावा करना कुछ चीज़ का होगा, इसका अपोजिट ऑप्शन ए इंक्रीज। वैन का एनोनीम होगा इंक्रीज। नेक्स्ट एरोडाइट या एरोडिट। एरोडाइट मतलब होता है विद्वान। तो यहाँ पे आपको कुछ अज्ञानी टाइप का वर्ड यूज़ करना है, तो इग्नोरेंट, ऑप्शन ए एरोडाइट का एनोनिम्स होगा इग्नोरेंट। नेक्स्ट वर्ड 65 एनोनिम्स आपके आज के सेशन से तैयार हो जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऑफ बीट। ऑफ बीट का एनोनिम्स बताइए। ऑफ बीट मतलब होता है आप कह सकते हैं अनभ्यस्त, कह सकते हैं आप, ठीक है, लोक से हट करके अनभ्यस्त। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कन्वेंशनल। ऑफ बीट का एनोनिम्स होगा कन्वेंशनल। नेक्स्ट वर्ड डेमिन। डेमिन का एनोनिम्स क्या होगा? आप लोग बताते रहिए, अपना अपना आंसर करते रहिए। डेमिन मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। तो क्या होगा इसका सही वर्ड यानी सही अपोजिट होगा? एडमायर, ऑप्शन सी। डेमिन का अपोजिट वर्ड एडमायर। नेक्स्ट अडेप्ट। अडेप्ट का एनोनिम्स बताइए। अडेप्ट का एनोनिम्स क्या होगा? बहुत ईजी है, इनेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रेकलेस। रेकलेस का एनोनिम्स, रेकलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह, लापरवाह यानी लापरवाह हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सतर्क टाइप में दिखेगा, अलर्ट टाइप में। तो कौन सा वर्ड आपको ऐसा दिख रहा है? कॉशस, ऑप्शन डी कॉशस। नेक्स्ट मोर्टैलिटी, बहुत इजी है, मोर्टैलिटी का ऑप्शन डी बर्थ, आप सबने आंसर कर ही दिया होगा। टर्बाइट या टर्बिट। टर्बिट का एनोनिम्स बताइए। टर्बिट मतलब होता है परेशान।
तो यहाँ पे क्या होगा, परेशान। ऑप्शन बी क्लियर, टर्बिट का एनोनिम्स क्लियर। नेक्स्ट कंप्लाई, कंप्लाई का एनोनिम्स बताइए। कंप्लाई का एनोनिम्स, कंप्लाई मतलब होता है पालन करना, पालन करना। सही जवाब होगा अपोज, ऑप्शन डी अपोज। नेक्स्ट बेसच, बेसच का एनोनिम्स बताइए। बेसच मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना किसी चीज़ के लिए, मतलब प्रार्थना करना, प्रेरित करना, प्रार्थना करना आप कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कमांड। नेक्स्ट बेसच का एनोनिम्स कमांड। सगेसियस, सगेसियस का एनोनिम्स बताइए। सगेसियस मतलब होता है मेधावी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इग्नोरेंट। नेक्स्ट एडॉर्न, एडॉर्न का एनोनिम्स बताइए। एडॉर्न मतलब क्या होता है, किसी की साज सजावट करना, सजाना, देखने लायक बनाना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसफिगर, ऑप्शन बी डिसफिगर। एडॉर्न का एनोनिम्स डिसफिगर। नेक्स्ट वर्ड सौगे, सौगे का एनोनिम्स क्या होगा। आंसर करते रहिए आप लोग, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि सौगे का एनोनिम्स क्या होगा। सौगे मतलब होता है गीला, आद्र कह सकते हैं आप इसको। तो गीला का अपोजिट क्या होगा, सूखा, यानी ऑप्शन ए ड्राई। नेक्स्ट विशियस, विशियस का एनोनिम्स बताइए। विशियस मतलब होता है शातिर, दोषी भी कह सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्चुअस। नेक्स्ट हिलेरियस, हिलेरियस का एनोनिम्स, हिलेरियस मतलब होता है प्रफुल्ल या प्रसन्न कह सकते हैं आप। तो कुछ सैड सा होगा अपोजिट, ऑप्शन सी सैड। हिलेरियस का एनोनिम्स सैड। विगिलेंट, विगिलेंट का एनोनिम्स बताइए। विगिलेंट मतलब होता है जागरूक, जागरूक। तो इसका एनोनिम होगा रैश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, लचीला। तो कुछ सख्त सा होगा इसका अपोजिट, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टिफ, स्टिफ। ब्रॉड, ब्रॉड का बहुत ही सिंपल, बचपन से आप लोगों को याद होगा, ऑप्शन ए नैरो। नेक्स्ट डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का एनोनिम्स बताइए। डेक्सटेरिटी मतलब होता है निपुणता, निपुणता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इग्नोरेंस। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड का एनोनिम्स बताइए, बहुत इजी है ये, ऑप्शन ए यूनिट। बिजारे, बिजारे का एनोनिम्स बताइए आप लोग। बिजारे मतलब विचित्र, सही जवाब होगा यूजुअल, ऑप्शन डी यूजुअल। नेक्स्ट एल्योरे, एल्योरे का एनोनिम्स बताइए। एल्योरे मतलब होता है लुभाना, सही जवाब होगा रिपल्स, ऑप्शन बी रिपल्स। एल्योरे का एनोनिम्स रिपल्स। नेक्स्ट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब विरोधी। अब अपोजिट वर्ड इसका आप चूज करिए क्या होगा, विरोधी का, विद्रोही, विरोधी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एमिएबल। नेक्स्ट ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू का एनोनिम्स चूज करिए। नीचे आपके पास चार ऑप्शन है और इसमें से बताइए ग्रोटेस्क्यू का एनोनिम्स वर्ड क्या होगा। ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या होता है, कुछ अप्रसन्न सा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, अट्रैक्टिव, आकर्षित, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंगेंट का एनोनिम्स बताइए आप लोग। स्ट्रिंगेंट मतलब होता है दृढ़, कठोर। तो कुछ लचीला सा होगा, कुछ निर्बल सा होगा, दुर्लभ सा होगा। सही जवाब होगा लेनिएंट, लेनिएंट। नेक्स्ट रिपल्सिव, रिपल्सिव का एनोनिम्स बताइए। रिपल्सिव मतलब अप्रिय, तो कुछ प्रिय सा होगा इसका, यानी अट्रैक्टिव होगा, ऑप्शन बी। नेटिव, नेटिव का एनोनिम्स बताइए। फॉरेन तुरंत आंसर किया होगा आपने, इसका भी आंसर आप तुरंत कर ही देंगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का एनोनिम्स बताइए। लिथार्जिक, लिथार्जिक। नेक्स्ट मेलो, मेलो का एनोनिम्स बताइए। मेलो मतलब बहुत नर्म सा कुछ, तो सही जवाब होगा क्या, मधुर सा, मृदु, सॉरी मृदु, मेलो मीन्स मृदु। तो कुछ हार्ड सा होगा, ऑप्शन सी
मेलो का एनोनिम्स हार्ड। नेक्स्ट इमर्ज, इमर्ज का एनोनिम्स बताइए आप लोग। इमर्ज मतलब होता है उभरना, प्रकट करना, तो क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डिसअपियर। इमर्ज के एनोनिम्स डिसअपियर। नेक्स्ट एक्सटॉल, एक्सटॉल का एनोनिम्स बताइए आप लोग। एक्सटॉल मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना होता है, तो कुछ नीचा दिखाना सा होगा, यानी सेंस्योर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ह्यूमैनी, ह्यूमैनी का एनोनिम्स बताइए। सही जवाब होगा क्रूल, ह्यूमैनी मतलब दयालु, क्रूल होगा। नेक्स्ट हैस्टी, हैस्टी का एनोनिम्स, हैस्टी, चार ऑप्शन है आपके पास। हैस्टी मतलब क्या होता है? आतुर होता है, आतुर किसी चीज़ का, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉशस। नेक्स्ट प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो इसका एनोनिम्स क्या हो जाएगा? समृद्धि का अपोजिट वर्ड हो जाएगा एडवर्सिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडवर्सिटी। सेंस्योर, अभी तुरंत आपको बताया गया, कुछ निंदा सा करना होता है, नीचा दिखाना होता है, तो सेंस्योर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रेस, ऑप्शन डी, प्रेस। नेक्स्ट डिसअपीयर, डिसअपीयर मींस निराशा, तो कुछ आशा टाइप का इसका अपोजिट होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होप। नेक्स्ट एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का एनोनिम्स क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, आज्ञाकारी। नेक्स्ट फेरोसियस, फेरोसियस का एनोनिम्स क्या होगा? आपका सही जवाब होगा जेंटल, फेरोसियस मतलब क्रूर, अपोजिट होगा जेंटल। नेक्स्ट रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का एनोनिम्स क्या होगा? आपका सही जवाब होगा रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, रिटेलिएशन मतलब होता है प्रतिरोध, तो इसका अपोजिट होगा रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट लॉयल्टी, लॉयल्टी का एनोनिम्स क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रीजन, ट्रीजन, लॉयल्टी मींस निष्ठा, अपोजिट होगा ट्रीजन। नेक्स्ट एडवांस, एडवांस का एनोनिम्स बताइए, चारों में से कौन सा सही होगा? बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, रिट्रीट, रिट्रीट। नेक्स्ट एरोगेंट, एरोगेंट का एनोनिम्स बताइए। एरोगेंट मतलब अभिमानी, तो कुछ हम्बल सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टैसेट, टैसेट का एनोनिम्स, सही जवाब होगा आपका एक्सप्लिसिट, टैसेट मतलब मौन, अभिलक्षित, एक्सप्लिसिट होगा। नेक्स्ट रैंडम, रैंडम का एनोनिम्स बताइए। रैंडम मतलब कुछ यादृच्छ होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट शैलो, शैलो का एनोनिम्स, आपका सही जवाब होगा डीप। अमास, अमास का एनोनिम्स बताइए। आपका सही जवाब होगा हिप, हिप, अमास मतलब एकत्र करना। नेक्स्ट पोरस, पोरस का एनोनिम्स बताइए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इम्परमिएबल। पोरस मतलब कुछ झरझरा सा, ठीक है, झरझरा टाइप का, तो सही जवाब होगा इसका अपोजिट वर्ड होगा इम्परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का एनोनिम्स बताइए। आपका सही जवाब होगा कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब सार, तो कॉन्क्रीट इसका सही जवाब होगा, अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट इमेसिएटेड, इमेसिएटेड एनोनिम्स बताइए। सही जवाब होगा फैट, निर्बल का फैट, चीड़ का अपोजिट फैट। नेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड का एनोनिम्स टिमिड, डरपोक। नेक्स्ट परपेट्रेट, परपेट्रेट एनोनिम्स बताइए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, प्रीवेंट, करना का सही उल्टा क्या होता है? रोकना, प्रतिबंध करना, यानी प्रीवेंट। नेक्स्ट कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का एनोनिम्स बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिसेंट। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट
रेस्ट्रिक्टेड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टेड। सही जवाब होगा आपका, सॉरी, ऑप्शन ए, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। होप, होप का अपोजिट क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिसअपीयर, निराशा। गॉन्ट, गॉन्ट के एनोनिम्स बताइए। गॉन्ट मतलब क्या? क्रिश, क्रिश, क्रिश। गॉन्ट मीन्स क्रिश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लम्प। नेक्स्ट, वर्वलेंट, वर्वलेंट का एनोनिम्स बताइए। वर्वलेंट मतलब क्या? विषैला, जहरीला। आपका सही जवाब होगा एमिकेबल, एमिकेबल। नेक्स्ट, रूटीन, रूटीन का एनोनिम्स बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिफरेंट। नेक्स्ट, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब क्या? निर्णायक। तो निर्णायक का आपको अपोजिट वर्ड इन चारों ऑप्शन में से क्या नज़र आ रहा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम्बिगस, एम्बिगस। और इसके साथ ही आपके 65 एनोनिम्स कवर होते हैं, और आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरा टारगेट ये था कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। बाय।